बट आई थिंक ये टेम्पररी है, एलिगेशन से बाहर निकल के ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे इस पे काम करना चाहिए और रिलेशन को पहले जैसे बेहाल करना चाहिए। इंडिया और कनाडा को रिलेशंस बैठ के ही सॉल्व करने चाहिए। नुकसान तो ऑब्वियसली दोनों देशों को ही होगा। इसमें देखना ये चाहिए कि दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के आपस में बात करके और मोर ऑफ पॉलिटिकल इशू ना बनाए, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल वर्क आफ्टर कोविड फॉर ह्यूमन ग्राउंड्स, एंड ये आज से तो है नहीं रिलेशनशिप, फ्रॉम मैनी मैनी डेकेड्स बोथ कंट्री हैज ए वेरी गुड रिलेशनशिप। तो अब दोनों कंट्रीज को बैठना चाहिए, बैठ के इसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, एलिगेशन से बाहर निकल के ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे इस पे काम करना चाहिए और रिलेशन को पहले जैसे बेहाल करना चाहिए। आपके भी कई रिलेटिव्स बाहर होंगे तो आप समझते हैं बच्चों का फ्यूचर भी जो यहां स्टडी से पैसे लगा के जाते हैं। हाँ जी, देखिये बिके पंजाब और सिख कम्युनिटी या नॉर्दर्न कम्युनिटी बहुत है कनाडा में और प्रॉस्पर भी की है इन पास्ट और अभी भी करेगी, एंड वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि दे ग्रो देयर। और सिमिलरली यहाँ पर भी इंडिया में भी जब कोई NRIs आते हैं, ये आते हैं कि नोबडी शुड, फिकर तो होता ही है कि बच्चे पैसे लगाते हैं, जब ऐसी न्यूज आती है तो देर इज अ टेंशन, बट आई थिंक ये टेम्पररी है एंड इफ गवर्नमेंट्स विल वर्क टुगेदर दिस कैन बी सेटल्ड आउट। जरूर, मेरे काफी साथ पढ़ने वाले और मेरे यार दोस्त है जो बाहर अभी कनाडा में स्टडी वीजा पे हैं और सेटल हो रहे हैं, पर मेरा यही मानना है कि इंडिया और कनाडा को रिलेशंस बैठ के ही सॉल्व करने चाहिए, जो भी आपस में उनके मुद्दे हैं उन पर बैठ के बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और मैच्योरली फैसला निकालना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्या नुकसान हो रहा है ऐसे करने से? क्योंकि यहाँ से कनाडा ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स काफी लोन उठा के भी वहाँ पढ़ने जाते हैं और करियर ग्रोथ ढूंढने जाते हैं, तो काफी बैठ के जो भी मुद्दे है उसके बारे में बात करनी चाहिए और दोनों देशों को प्रोग्रेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक कंट्री के साथ इंडिया को बहुत प्यार से रहना चाहिए, लाइकवाइज कनाडा के साथ भी, क्योंकि मेरे खुद के काफी सारे फ्रेंड्स हैं, इवन फॉर हायर एजुकेशन मैं खुद भी, मेरे सिबलिंग्स भी जाना चाहते हैं, सो उस रिगार्ड में हमें बहुत सारा पीस मेंटेन करके रखना चाहिए। और काफी पॉपुलेशन है इंडिया की कनाडा में, एंड फॉर दैट रीजन आई बिलीव कि हम एक अच्छा कॉर्डियल बैलेंस बना के रखना चाहिए। जैसे मिनी पंजाब से कहा जाता है काफी सिख पीपल भी। जी जी, क्या नुकसान हो रहा है, क्या होना चाहिए दोनों में आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहिए? जी, नुकसान तो ऑब्वियसली दोनों देशों को ही होगा, इट्स नॉट जस्ट कि वन, ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया को नुकसान कम, सो आइडियली हमें सबके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके पीस मेंटेन करना चाहिए। पॉलिटिकल मतलब मैं इतना डीप तो नहीं ज्यादा जानती और ना मैं बोलना चाहूंगी, बट मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना ही हमें बाकी देशों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।